मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ इन दिनों काफी चर्चा में रहे। चर्चा की वजह रही कुछ अटकलें ये कि कमलनाथ कभी भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि इन अटकलों को विराम लग गया है और कमलनाथ अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों में लग गए हैं। इससे पहले भी कमलनाथ राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा जो कि साल 2022 में हुई थी उसमें नजर आए थे। इस बार की यात्रा में किस तरीके से कमलनाथ रहेंगे और क्या संदेश कमलनाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्ष ठाकुर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लग सकता था क्योंकि अटकलें आई सामने कि कमलनाथ जो है वो बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं, कांग्रेस छोड़ रहे हैं। हालांकि तीन दिन तक चले इस ड्रामे पर विराम लगा जब कमलनाथ के करीबियों ने ये बात साफ तौर पर मीडिया पर आकर कही कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे, कमलनाथ कांग्रेस के साथ बने हुए हैं। वहीं बता दें कि कमलनाथ अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कमलनाथ सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया साइट के जरिए वो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की भी बात कह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा में कमलनाथ नजर आए थे। भारत जोड़ो यात्रा जो कि साल 2022 में मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आयोजित की गई थी, उस वक्त भी कमलनाथ नजर आए थे। लेकिन इस बार में फर्क यह है कि इस बार 5 दिन जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी तब 5ों दिन लगातार कमलनाथ राहुल गांधी के साथ नजर आने वाले हैं। वहीं अगर पिछली यात्रा की बात करें जो साल 2022 में हुई थी तो उस दौरान कमलनाथ बीच बीच में यात्रा में जुड़ा करते थे। हालांकि इस यात्रा और उस यात्रा में फर्क यह है कि पिछली बार राहुल गांधी पैदल ही पूरी यात्रा कवर कर रहे थे लेकिन इस बार राहुल गांधी बस से ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो कि ग्वालियर चंबल का क्षेत्र और मालवांचल को कवर करेगी उसमें 5ों दिन कमलनाथ राहुल गांधी के साथ दिखाई देंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस इसके जरिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है और कमलनाथ कांग्रेस के साथ है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जब कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही थी तब सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक राहुल गांधी ने कमलनाथ से फोन पर बात की थी और इस फोन पर बातचीत के बाद ही कमलनाथ ने अपना फैसला बदला और वो बीजेपी में नहीं गए, कांग्रेस के साथ ही रहे। वहीं अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच जुगलबंदी देखने को मिलेगी। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ साथ कमलनाथ इस पूरी यात्रा में 5ों दिन राहुल गांधी के साथ बने रहेंगे। पिछली यात्रा की तस्वीरें भी आई थी सामने जब कमलनाथ और राहुल गांधी हाथ में हाथ डाले इस पूरी यात्रा में चलते हुए दिखाई दिए थे लेकिन इस बार कमलनाथ की मौजूदगी इस यात्रा में काफी कुछ कहेगी मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस संदेश देने की कोशिश करती है वो कितना दे पाती है देखने वाली बात होगी। और कितना फायदा इस यात्रा का मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और लोकसभा चुनावों में मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों पर बने रहिए एमपी तक के साथ।